एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंत टॉप, मैं हूं प्रफुल्ल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी पार्टी है, जनहितैषी सरकार है और जनता की सेवा के लिए बनी है। हमारे प्रधान सेवक बड़ा जोर देते हैं इस बात पर। वो कहते हैं कि हम लोक कल्याण में विश्वास रखते हैं, लोक हितैषी लोग हैं और लोगों की भावनाओं को हम समझते हैं। लेकिन जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ बंदा, बैठा हुआ शख्स गुंडे मवाली जैसे भाषा का इस्तेमाल करे तो क्या कहेंगे आप उसको? जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसी जनता के लिए, जिस जनता ने उसको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया, सांसद बनाया, सदन में भेजा, अगर उसी को धमकाने लगे, धमकी देने लगे तो क्या कहेंगे? ये सब बातें थोड़ा सा अजीब लगता है सुन के, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए सांसद महोदय की मर्यादित भाषा को जरा गौर से सुनिएगा। कि मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे। सांसद महोदय उसी जनता को ललकार रहे हैं, उसी जनता को डरा रहे हैं जिस जनता ने अपना एक बहुमूल्य वोट देकर उन्हें सांसद बनाया है। और गली कूचे के गुंडे मवालियों से पीछा छुड़वाकर, या गली के गुंडे मवाली वाली जिंदगी को छुड़वाकर उन्होंने सदन में भेज दिया कि जाइए महोदय, हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, हमारी सेवा कीजिए। और नेताजी भी मंचों से यही बोले होंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन सेवा करने का तरीका भी अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, आप सोचते रह जाइएगा। सांसद जी कोई और नहीं है, अरविंद शर्मा नाम है उनका, एमपी हैं और रोहतक में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पहले बात सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई मनीष ग्रोवर जी को टारगेट किया गया कि भी लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र की हार मनीष ग्रोवर जी कारण थे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा रोहतक में मनीष ग्रोवर की वजह से ये लोकसभा रोहतक जीती गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक और बात सुन ले, कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा के मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, उसके हाथ को काट लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटारे हैं, ये किस बात के लिए छटपटारे हैं? राज के लिए। और एक बात आज लिख ले, वो ये लिख ले एक बात को कि 25 साल कांग्रेस चक्कर काटती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज को नहीं छोड़ने वाली। तो सुना आपने, सांसद महोदय बोल रहे हैं कि मनीष ग्रोवर की तरफ उठने वाली, यानी मनीष ग्रोवर की तरफ जो आंख उठेगी हम उस आंख को निकाल लेंगे, मनीष ग्रोवर की तरफ जो हाथ उठेगी हम उस हाथ को काट लेंगे। यानी एक सांसद महोदय को अपने सहयोगी, अपने पार्टनर की चिंता इस कदर है कि उनके तरफ उठने वाली हर हाथ को, आंख को निकाल लेंगे, हाथ को काट लेंगे। वो शक्ति कपूर का मुझे वो डायलॉग याद आया कि आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, और वो भी किसकी आंख निकालने की बात कर रहे हैं? जनता की। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मनीष ग्रोवर साहब जिस दिन हमारे प्रधान सेवक केदारनाथ यात्रा पे गए थे तो वो एक किसी मंदिर में दर्शन देने पहुंचे। जगह भी बता दे रहा हूं आपको, हरियाणा के रोहतक जिले में एक गांव है, उस गांव में मनीष ग्रोवर जी एक पूजा कार्यक्रम में, मंदिर में या मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं। वहां पे बड़ा से LED लगा रहता है, उस पे हमारे प्रधान सेवक के जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण हो रहा था। सांसद जी पहुंचे और सोचे कि हम भी देखेंगे और जनता के साथ कुछ संवाद करेंगे
और दर्शन करेंगे। दरअसल हुआ यूं कि लोगों को लगा कि भैया मनीष ग्रोवर साहब पहुंच रहे हैं यहाँ पे, पूर्व मिनिस्टर भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और सांसद हैं, तो किसान वहाँ पे कुछ पहुँच गए और उन्होंने मंत्री साहब यानी पूर्व मंत्री साहब और सांसद महोदय को मंदिर में लगभग घंटों बंधक बनाए रखा, रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? क्योंकि मनीष ग्रोवर साहब ने कुछ दिन पहले किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणी किया था, गलत सलत बयानबाजी किया था, तो किसानों ने उनको कहा था कि आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग लेंगे हम सब भूल जाएंगे। किसान बड़े कोमल हृदय वाले हैं, वो आपकी हर गलतियों को भुला देते हैं जल्दी। लेकिन मनीष ग्रोवर साहब को तो अकड़ थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार हमारी है, अदालत हमारी है, अखबार हमारे हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अगर हम माफी ना भी मांगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। उन्होंने माफी नहीं मांगा। लेकिन उस दिन जब मंदिर में किसानों ने उनको बंधक बनाया तो उस दिन बाकायदा माफी मांगना पड़ा। उसके बाद वहां से गए, कुछ बातें भी बोला, लास्ट तक मतलब टिकते रहेंगे, जब जब शंकर भोला बुलाएगा तब तक आते हैं। वो आपसे माफी की बात को लेकर, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम की है, हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर, तुमने राम राम कर। उसके बाद इसी घटना को लेकर अरविंद शर्मा जी किसानों को धमका रहे हैं उसी रोहतक में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत यो हो गई है कि वो ना या तो जनता के बीच वोट मांगने जा पा रहे हैं और ना जनता के बीच संवाद करने जा रहे हैं। जहां भी कहीं उनका कार्यक्रम हो रहा है, किसान या आम जनता उनका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दे रही है, कहीं कहीं तो दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, यहां तक कि मंत्री मुख्यमंत्री साहब का भी यही दुर्दशा हो गया। लेकिन खैर हम मुद्दे पे आते हैं। अरविंद शर्मा जी जिस जनता को धमका रहे हैं, जिस जनता को डरा रहे हैं, आपको याद होगा उसी जनता के लिए हमारे प्रधान सेवक के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, एक योजना तैयार किया गया, उस योजना में जनता की सेवा को ध्यान में रखा गया था, सेवा समर्पण योजना, सेवा समर्पण अभियान, और उसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जाके जनता से बात करते हैं, उनको खाने को कपड़े देते हैं पहनने के लिए, इन तमाम तरह के चीज़ों का वितरण किया जाता है। लेकिन वही प्रधान सेवक के कह सकते हैं सहयोगी, उनके मंत्री या उनके सरकार के सदस्य जनता को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम हाथ काट लेंगे, आँख निकाल लेंगे। खैर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा कुछ इसी तरह से है, उन वो मर्यादा को भूल चुके हैं, जनहितैषी कार्य क्या होता है, जनता के लिए कार्य कैसे करना है, इन तमाम तरह की बातों को वो मिट्टी डाल दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सांसद महोदय की जो भाषा है वो कैसी है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।